बिस्मिल्ला रामान ये ऐसे जहाँ पढ़ रहे हैं बारहवीं क्लास के माई हीरो इन हिस्ट्री तारीख में मेरा हीरो, और ये स्टैंडर्ड है यानी मैारी है और अगर आपने बहुत अच्छा इससे भी ज़्यादा लेंथी करना है तो आगे अगला जो है ना वो आउट स्टैंडिंग आप पढ़ लें क्योंकि अमूमन लोग दरमिया दर्जे के होते हैं इसलिए हम जो है ना ये वाला करेंगे तो इसकी ट्रांसलेशन मैं करूँगा आप कोशिश करें कि इसको ऐसे लिखें और इसमें कुछ और चीज़ें जो हैं वो ऐड करें ग्रामर की चीज़ें जो हैं वो सीख कर जुमले बनाएँ जुमलों को लंबा करें या शॉर्ट करें ऊपर ना ये मेरा ख़्याल शेर लिखा हुआ है सी द कनकरिंग हीरो कम्स साउंड द ट्रम बीट द ड्रम्स देखो द कनकरिंग हीरो फतह करने वाले हीरो को कम्स वो आता है साउंड द ट्रम्पिट्स बर्बत बजाओ बीट द ड्रम्स और जो ढोल हैं वो उनको भी बजाओ तो ये ऐसे लिखने से पहले जो है ना ऊपर ये शेर लिख लें और उसके बाद जो है ना फिर क्या कहते हैं जो ऐसे उसका आगाज़ करें अरो इज़ अ मैन ऑफ आउट स्टैंडिंग करेक्टर हिरो एक गैर मामूली किरदार वाला होता है एंड मैच लेस और और बेमिसालहानत वाला होता है अब ये जो है ना ख़ूबी किसी के खूबी बयान करने के दो तरीके होते हैं एक तरीका तो ये है कि जैसे अ मैन आ गया ऑफ़ आउट स्टैंडिंग करेक्टर ऑफ़ के ज़रिए आगे जो है वो नाउन लगा दें एक तरीका तो ये होता है और दूसरा तरीका ये होता है डायरेक्ट जो है वो एडजेक्टिव बना के आप वो उसका वसव बयान कर दें अब चूँकि इसमें व जो है ना वो वसफ़ एक लफ्स में नहीं है ज़्यादा अल्फ़ाज़ में है तो इसलिए यहाँ पे ऑफ के साथ जो है ना इसको वसफ़ को बयान किया गया है तो तरमा जब आप करेंगे तो आप ये करेंगे मामूली किरदार वाला मामूली किरदार से मुतरफ़ आई रोज़ अ मैन ऑफ आउट स्टैंडिंग करेक्टर एंड मैचलेस जीनीस अगर आपको ट्रांसलेशन अच्छी आती होगी तो फिर ये जुमले समझ आ जाएंगे याद आसानी से हो जाएंगे और आप इन जैसे जुमले आप बना सकते हैं ही इसको ढीला करें ही मस्ट बी अ मैन ऑफ यूनिक क्वाल्टीज़ ही मस्ट बी उसको ज़रूर होना चाहिए अ मैन आफ यूनिक क्वाल्टीज़ मुनफरद यूनिक मुनफरद क्वाल्टीज खूसियात का हामिल अ मैन आफ यूनिक क्वाल्टीज़ दो अगर के द मुस्लिम हिस्ट्री इज़ फुल ऑफ ग्रेट मैन मुसलमानों की जो तारीख है वो बड़े इंसानों से भरी हुई है माई हीरो इन हिस्ट्री मेरा हीरो तारीख में इज़ है कायद आदम मोहम्मद अली जना ये जिन्ना लिखते हैं जब पहले तो मैंने पढ़ा था कोई वीडियो में देख रहा था उसमें जिन्ना ऊपर लिखा हुआ था तो मैंने कहें ये कुछ जिन्हों की बात हो रही है तो बाद में मुझे पता चला कि जिना को जिन्ना ऐसे लिखा जाता है आई थिंक मेरा ख्याल है ही इज रियली अ मैन वो वाक़ता एक ऐसा इंसान है कायद आदम वर्दी ऑफ द टाइटल हीरो जो कि काबिल है हीरो के खिताब के वर्दी आपका माना होता है क्या कहते हैं कदर कीमत वाला होना <coughs> काबिल होना मुस्तक होना मस्तक है मोहम्मद अली जनाबा बॉन ऑन ट्वेंटी फाइव दिसम्बर एटीन सेवनटी सिक्स मोहम्मद अली जना पैदा हो गए थे पच्चीस दिसंबर अठारह सौ छिहत्तर को ही रिसिव्ड हिज अर्ली एजुकेशन उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम ली फ्राम नेटिव सिटी आबाई शहर से आफ्टर पासिंग हिज़ मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन अपने मैट्रिक का इम्तहान पास करने के बाद ही वेंट टू इंग्लैंड वो इंग्लैंड चले गए फॉर हायर एजुकेशन आला तलीम के लिए ही वाज अ बॉन फाइटर वो एक पैदाइशी लड़ने वाले थे सब मादी मुतलक में पर पास इनडेफिनेट में वाज और उनका जो मकसद था उनका जो क्या कहते हैं मकसद था वो था वर्क नसबुल इसका की, तरमा तो कीजिए माटो का वर्क वर्क एंड मोर वर्क काम काम और मजीद काम आफ्टर हिज रिटर्न फ्राम इंग्लैंड इंग्लैंड से वापसी के बाद ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एज ए लायर इन बम्बई उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की एज ए लायर एक वकील के तौर पर इन बम्बई बम्बई में ही वेंट ऑन स्ट्रगलिंग उन्होंने जारी रखी जदोजोद फॉर ईयरस कई साल एट लास्ट बिल आखिर ही बिकेम वन ऑफ़ द लीडिंग लॉयर्स ऑफ इंडिया वो बन गए इंडिया के सरकर्दा वकीलों में से एक लीडिंग लायर यानी वो वकील जो लीड करते हैं रहनुमाई करते हैं लीडर होते हैं देन फिर ही टू कीन इंटरेस्ट उन्होंने गहरी दिलचस्पी ली टेक इंटरेस्ट का माना होता है दिलचस्पी लेना क्योंकि माध्यम मुतलक में है ना पास इंडेफिनेट politics, में इसलिए उन्होंने गहरी दिलचस्पी ली इन पॉलिटिक्स सियासत में ही जॉइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस उठ के दौरान सही तरह बंद करें ही

कोशिश कर रही थी फॉर द राइट्स ऑफ द हिंदूज ओनली सिर्फ हिंदुओं के हकूक के लिए देयर फॉर इसलिए ही लेफ्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिया एंड जॉइन्ट द मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग को अपना लिया शमूलियत इख्तियार की इन नाइनटीन थर्टीन उन्नीस सौ तेरह में देन फिर ही डिमांडर उनबा किया अ सेपरेट होम लैंड अलग सरजमीन का फॉर द मुसलिम ऑफ इंडिया इंडिया के मुसलमानों के लिए दायदे अदम प्रूवड दैट कैद अदम ने यह बात सबत की कि द मुसलिम एंड दिंदूज वर्ल्ड पोल्स अपार्ट के मुसलमान और हिंदू अलग अलग थे दे कुड नाट लिव टुगर वो इकट्ठे नहीं रह सकते लाइक अ सिंगल नेशन ए कौम की तरह देर फॉर इसी लिए ही डिमांड एंड इंडिपेंडेंट होम लैंड उन्होंने मुतालबा किया एक आज़ाद वतन का फ़ॉर द मुस्लिम मुसलमानों के लिए सो देट ताकि दे कुड लिव पीसफुली ताकि वो रह सकें पुरान तरीके से अकॉर्डिंग टू देयर ऑन इस्लामिक ट्रेडिशन अपनी इस्लामी रिवायात के मुताबिक बात समझ आ रही है हाँ जी दिकायद आदम वर्क हार्ड उन्होंने बड़ी मेहनत की फॉर द इस्टेबलिशमेंट ऑफ़ पाकिस्तान पाकिस्तान के क्याम के लिए ओवर वर्क काम की ज्यादती हैड अ बैड इफ़ेक्ट इसने बुर, बुरा असर डाला ऑन इज़ हेल्थ उनकी सेहत पे हिज डॉक्टर्स एडवाइस टीम उनके डॉक्टरों ने उनको नसीहत की टू स्टॉप वर्किंग हार्ड मेहनत करना वो स्टॉप टू स्टॉप रोकने की नसीहत की कि वो रोक दें भाई ये सारे माली मतलब में अगर आपको टेंसेज आते हैं ना पास इनडेफिनेट की गर्दान आती है तो फिर आपको ये तर्जा समझ आ जाएगा बट लेकिन He thought that उन्होंने ये सोचा his work was more important उनका काम ज़्यादा अहम है दैन दज हेल्थ बनस्बत उनकी सेहत के अब आप ये मुझे ये कहेंगे वाज का तर्जमा है मैं कर रहा हूँ दरअसल ये ना ये कुछ जुमले जो जिमन में आते हैं अपने ग्रामर में आपको मैं ग्रामर पढ़ाऊँगा तो उसमें अगर पीछे मादी का जुमला हो तो ज़िम्मन में जुमला होता है ना वो भी माजी में होता है लेकिन तरजा उसका हालत में किया जाता है फाइनली बिल आखिर ही सक्सीडेड वो कामयाब हो गए इन ही एफर्ट्स अपनी कोशिशों में इन पाकिस्तान केम इंटू एग्जिस्टेंस और पाकिस्तान वजूद में आ गया ऑन फोर्टी अगस्त नाइनटीन फोटी सेवन चौदह अगस्त उन्नीस सौ सैंतालीस को कम एग्जिस्ट एग्जिस्टेंस का माना होता है वजूद में आना जिनाब ई केम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान जिनाब बन गया पहला गवर्नर जनरल पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल सदर की तरह होता है अभी ये सदर का जहदा है जो प्रेजिडेंट है माधी में जब बरतानियों की यहाँ पर हुकूमत थी तो उसको गवर्नर जनरल कहा जाता था बस आप इतना समझें बाकी इसकी जो तफसील है वो आप जो है ना सोशल स्टडी में देख जान सकते हैं ही प्रो टू बी अ सक्सेसफुल रूलर वो साबित हुए कामयाब हुक्मरान जिनाज़ हार्ड वर्क अर्न हिम द टाइटल क़ायद आदम जिनाह का जो मेहनत है हार्ड वर्क अर्न हिम उसने उनको दिया खिताब क़ायद आदम का ही हैड बीन सफरिंग वो झील रहे थे मुबतला थे फ्राम ट्यूबरकुलस टी बी की बीमारी में मुबतला थे जिसको तपे देख या तपे दक कहते हैं ये दक का ये दुख को कूटना होता है ना तपे देख टी बी से बंदा जब पतला हो जाता है ना तो उसको हकीम जो है वो उसको इधर तपे देख लिखा हुआ तपे दक वैसे तो मतलब गोया बुखार ने बंदे ने कोट कोट के सुखा कर प, पतला कर छे तपे देख कहते हैं सिंस लॉन्ग लंबे अरसे ऑनली ही सिस्टर एंड फ्यू क्लोज फ्रेंड्स सिर्फ उस उन, उनकी बहन और चंद जो करीबी दोस्त हैं वर अवेयर वो आगा थे ऑफ हिज इलनेस उनकी बीमारी से हिज हेल्थ फेल उनकी जो सेहत है वो ख़राब होगी अंडर द हैवी प्रेशर ऑफ वर्क काम के क्या कहते हैं बहुत ज्यादा दबाव के नतीजे में के मतहत एंड अल्टीमेटली और बिलाकर ही डाइड वो फोत हो गए ऑन सेप्टेम्बर अलेवन नाइनटीन फोटी एट अलेवन सितंबर 1948 को ही वाज बर्रीड एट कराची उनको कराची में दफन किया गया बाकी जो है ना एंड पे भी शेयर लिखा हुआ है ये कोई मजमून है अगर आप उसके शुरू में आखिर में दरमियान में अशार लिखते हैं या और चीज़ें ऐड करते हैं बहुत ही अच्छा होता है ये चूँकिफ़े का लेवल है और बी ए में तो मतलब है ना कोशिश की जाती है कि इन चीज़ों को याद किया जाए और ऐड भी किया जाए अब वो शेयर क्या है वो कहते हैं दिररो इज़ नाट फैड ऑन स्वीट्स जो हिरो है ना वो मिठाइयों मिठाइयाँ उसको नहीं खिलाई जाती उसको मुश्किल जो हैं वो झीलनी पड़ती हैं ठीक है ठीके? और आजकल के ये जो हमारे मम्मी डैडी हीरो हैं ना ये कोई शुरले चल जाए जा तो ये चार रुपये के नीचे जो है ना वो बढ़ जाते हैं तो इन्होंने कौम का दिफा माँ सिर करना है क्या डेली हिज ओन हर्ट ही ईट्स वो ये एमरसन कह रहा है, एमरसन हीरोइज़्म उसने हीरोइज पे लिखा हुआ है कहते हैं हर रोज़ हिज ओन हर्ट अपना जो दिल है ही ईट्स वो खाता है मतलब यह कि वह कुड़ता है कौम के लिए अपने आप को जलाता है और अपनी सेहत उसकी ख़राब हो जाती है लेकिन वो कौम के लिए जद्दोजहद करता है इसलिए क़ायदे अदम ने जद्दोजहद की और कौम के लिए अपनी जान जो है वो दे दी ठीक है जी चलें